हे एवरीवन, वीडियो में बने रहें। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे हम भारतीय जवानों का ताकत, यहाँ पे सैनिक इस मिसाइल के सिस्टम को बताते हुए और कैसे तोप को लोड कर रहे हैं, तोप गोली बारूद को कैसे लोड करके इसको छोड़ रहे हैं। फाइनली फायर होने के लिए रेडी हो गया है। इस मशीन से तो जमीन में और हवा में भी रहने वाले दुश्मनों को धज्जियां उड़ा सकता है। इस तरह का एग्जीबिशन तो आर्मी का जीवन में मैंने पहली बार देखा। और ये है बुलेट प्रूफ जैकेट। दोनों हाथ से उठेगा सर, भारी है, 13 kg है। दोनों हाथ से उठने से तीन दिन में इतना ही फटा हुआ था, ये पूरा फाड़ दिया। 13 kg है। ये पाकिस्तान का हेलमेट है, वहाँ तो लिखा हुआ है लोहे का, दो प्लेट। सर ये कौन सा गन है? मतलब ये अलग टाइप का गन लग रहा है क्या? सिंग राइफल। यहाँ पे सर राइफल का सिस्टम को समझाते हुए, और यह मासूम सा बच्चा दूरबीन के सहारे दुश्मनों को देखते हुए। माइक्रोस्कोप है। एक से एक मशीन गन, आर्म राइफल। ये कौन सा गन है सर? जो दुश्मनों को धज्जियां उड़ा सकता है। जो मूवी में हम लोग खाली देखते थे, अभी हम लोग सामने से रूबरू हो रहे हैं। सर ये रोटेट होता है क्या? ये रोटेट होता है क्या सर? देखने से लग रहा है चारों साइड घूमता हुआ। हाँ ये तो बहुत हेवी वाला लग रहा है यार। सर ये इससे क्या होता है? एंटी गाइडेड मिसाइल लॉन्चर। क्या सर? ये यूनिफाइड एटीजीएम लॉन्चर है। ये कंफोर्ट मिसाइल है। ये दोनों भारत का बना हुआ है। ये इसका नाइट साइड है, भारत का ही बना हुआ है, मेड इन इंडिया। इसका रेंज 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कोई भी दुश्मन रहेगा तो? दुश्मन के लिए नहीं, ये टैंक के लिए। अच्छा टैंक के लिए। टैंक और बंकर इसे बर्बाद करता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें पावर रहता है। ये मिसाइल है टैंक मारने के लिए। बड़ा टारगेट इससे अचीव होगा, इंसान वगैरह को नहीं मारते हैं, बंकर या कोई बड़ा टैंक
कुल मिला के आम भाषा में समझे तो ये टैंक उड़ाने के लिए है ना। हाँ टारगेट भी नहीं होगा इतना बड़ा गोला से वो इंसान। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा यूज होता है। जहाँ पर ये कहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, यहाँ पे आर्मी वाले सर जो भी मिसाइल वगैरह है उसका रेंज को समझाते हुए और कैसे वर्क करता है, मतलब ये जो पीछे का जो बोर्ड लगा हुआ है वो हर एक क्या बोल सकते हैं, हर एक टैंक, हर एक जो मशीन गन जो जितने सारे पिस्टल वगैरह था सभी में लगा था। तो इनसे थोड़ा सा ये आराम से बता रहे थे, यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम था उसके बारे में बता रहे थे। सैटेलाइट अलग से होते हैं, जो हमारे टीवी चैनल सैटेलाइट अलग से होते हैं, मोबाइल का अपना अलग से सैटेलाइट होता है, इसका सैटेलाइट अलग से होता है क्योंकि ये आर्मी नेटवर्क जोन के अंदर आता है। आर्मी नेटवर्क जोन के अंदर क्या अलग अलग सैटेलाइट है, जैसे TST है, दो दो तीन ट्रांसपोर्टेबल सैटेलाइट, इसका जोन अलग सैटेलाइट है। तो ये अपने सैटेलाइट क्या है, बहुत से अपने जो इसी जोन के अंदर काफ़ी सैटेलाइट है, काफ़ी उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। फ्रिक्वेंसी क्या सर्च करेगा 15 से 20 मिनट इसलिए लेता है, जैसे ये सैटेलाइट को सिग्नल मिल जाता है तो ये वापस रिसीव सिग्नल भेजता है कि हाँ भाई मेरा सिग्नल मेरे को मिल चुका है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये आपके जिसका हब रहता है उसमें कनेक्टिविटी करेगा, ये सैटेलाइट के थ्रू हब में कनेक्टिविटी करते ही क्या करेगा, फिर जोन को नेटवर्क को क्या जोड़ता है, एक यहाँ से जोड़ा, फिर यहाँ से जोड़ा, फिर यहाँ से जोड़ा, फिर यहाँ से जोड़ा, इस जोन को ऐसे कनेक्टिविटी करता है जिसके आर्मी नेटवर्क को जीव नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है इसका। जोन को जैसे जोड़ देता है तो यहाँ से सिग्नल मिल जाता है कि ओके ठीक है, फिर यहाँ से हम डायल करके ट्रायल करके देखते हैं, वहाँ पर चला गया वो बता मेरे पास डायल करके आ गया, आप दिल्ली से मेरे को रांची में डायल करके आ गए, इसके थ्रू से टेलीफोन से भाई यहाँ से आपके रांची पहुँच गया तो मेरा सक्सेस हो गया। प्लस इसमें आपको वॉइस एंड डाटा फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि वो आपको क्या रहेगा, हैक नहीं करेगा किसी तरह से, कोई भी कुछ भी करना आपको हैक नहीं कर सकते आप, इसके लिए हम सीक्रेसी कम से कम टाइम में हमें कहीं भी कम्युनिकेशन दिया। इसमें ये दिखाया गया है कि आर्मी लोग बर्फ के अंदर कैसे कुंभ बना के रहते हैं, इस टाइप से बना के रहते हैं पूरा वाइट वाइट बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो इस टाइप का गिरेगा चलिए देखिए बात देखिए नजर हमारी अब आगे साथ वहाँ इनको सब मशीन जैसे कैंप रहा। इसमें क्या हो रहा है सर, कैमरे से सारा मतलब ये हो रहा है क्या सारा रिकॉर्डिंग ना, कहाँ पे क्या हलचल है सर ये कौन सी गन है सर? 9mm पिस्टल। 9mm पिस्टल ये कारगिल के समय की? यस कारगिल के समय। बंकर है, बंकर ट्रैप है, घुस जाएगा। हेलो 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 माइक चेक 1 2 3 4 और ठीक उसी के पीछे चीता भारतीय सेना ध्वज और उसी के पीछे कमान फ्लैग दिया हुआ आप देख सकते हैं एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर आया में बंदी ड्रोन में और उसी के पीछे
घुसेगा।